सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को वकील हत्या मामले में पीटीआई प्रमुख को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट एससी ने गुरुवार को अधिकारियों को क्वेटा में वकील अब्दुल रज्जाक शार की हत्या के मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने इमरान खान द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की सुनवाई के दौरान पीटीआई प्रमुख के वकील बाबर अवान ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है उन्होंने कहा कि अब्दुल रज्जाक शर की हत्या एक जघन्य अपराध था और अधिकारियों को असली दोषियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अधिकारियों को 9 अगस्त को अगली सुनवाई तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया मामला 2013 में क्वेटा में वकील अब्दुल रज्जाक शार की हत्या से संबंधित है इमरान खान पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है लेकिन उन्होंने आरोपों से इनकार किया है अधिकारियों को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इस मामले में अभियोजन पक्ष के लिए एक झटके के रूप में देखा जा सकता है यह देखना बाकी है कि क्या अभियोजन पक्ष 9 अगस्त को अगली सुनवाई से पहले इमरान खान पर अपराध का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा पाएगा या नहीं इस बीच इमरान खान अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं वह वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को हटाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। इस मामले पर पाकिस्तान में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया होने की संभावना है कुछ लोग इसे इमरान खान की जीत के रूप में देख सकते हैं जबकि अन्य इसे कानून के शासन के लिए एक झटका के रूप में देख सकते हैं यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर यह मामला कैसे सामने आएगा